जब उज्जैन सिटी में छोटी उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई में लगे थे, तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था जैसे GTA Vice City का मिशन पार कर रहा हो। नाम था दुर्लभ कश्यप। यह नाम पिता ने रखा और उनका मानना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, अच्छा तो नहीं लेकिन सबसे हट के जरूर किया। दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया और इसकी शुरुआत सबसे पहले स्कूल से हुई। जो नई मैडम आई है पकाती है, तुझे समझ में आता है? नहीं यार, मुझे नहीं समझ आता। अरे यार, मुझे भी समझ में नहीं आता। ओए इधर आ। आ कह रहा है, और उधर शोर कहाँ हो रहा है? भैया मैं आपको ढूंढ रहा था, वहां पर कुछ लोग आपके दोस्त को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। भाई छोड़ छोड़ को, इसको मार क्यों रहे हैं? इसने किया क्या है? देख दुर्लभ, तू सीनियर के बीच में मत पड़, समझा? इसने सीनियर को धक्का कैसे दिया दिखाई नहीं देता इसको? आज के बाद नहीं देगा भाई साहब, इसको छोड़ दीजिए, आज के बाद नहीं देगा इसको। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू निकल यहां से, निकल। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आपके रहते हुए बच्चे यहाँ पर लड़ाई मार झगड़ा कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है? जब तक हम आए तब तक ये लोग मारपीट कर चुके थे, और इस तरह का मारपीट ये लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, और इस तरह की शिकायत इनके गार्जियन में भी कई बार दी गई है सूचना, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। पढ़ना लिखना तो 22.5 है, खाली आते यहाँ पर हीरोपंथी करते हैं, सब जब देखो तब मारपीट ही करते हैं। अरे तुम सब लड़ाई करने आते हो? हाँ? कौन मारा इसको? इसने मारा। क्या रे, तू लड़ाई करने आता है कि पढ़ने आता है? क्या नाम है तेरा? दुर्लभ। पूरा नाम बता। दुर्लभ कश्यप। ये लाल टीका क्यों लगाता है? एक बार माँ ने लगाया था, तब से मैं रोज लगाता हूँ। तूने इसे मारा क्यों? पहले लड़ाई इसी ने शुरू की थी, मेरे दोस्त को मार रहा था, जब मैंने छुड़ाने की कोशिश की मुझे धक्का दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा। इन सबको मैं थाने ले जा रहा हूँ, आप इनके गार्जियन को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। कांस्टेबल जी सर, उसकी पट्टी करा कर उसे ले चलो थाने पर।
चल थाने चल। चलिए सर, थाने चलने में डरते हैं क्या? भाई यार, स्कूल में कितना खौफ है अपना, लोग डरते हैं हम लोग से। हाँ भाई, दुर्लभ भाई का नाम सुनकर लोगों की हवा टाइट हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि बाहर भी लोग हमसे डरें, बाहर भी अपना खौफ हो। मगर कैसे? वही तो, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, फेसबुक पर मेरे नाम से एक आईडी बनाओ और उस पर जितने भी हम लोग कांड करेंगे सबका फोटो शेयर करना उस पर, ठीक है? और आज के बाद हम लोगों का एक ड्रेस कोड होगा, आंखों में काला काजल, माथे पे लाल टीका और काला गमछा, यही हमारी पहचान होगी। और इस फेसबुक आईडी से हमारा नाम होगा, क्योंकि इस फील्ड में कुछ हो या ना हो, नाम होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को ये कई बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? अगर कल से मेरा हफ्ता ना मिला ना, तो तेरा जीना हराम कर देंगे, समझे? चल निकल निकल। भाई, एक दुर्लभ कश्यप का गैंग आजकल खूब चर्चे में है। हाँ भाई, सुने ये फेसबुक पे भी एक्टिव रहता है और वहीं से अपने गैंग का प्रचार प्रसार करता है। ऐसा क्या, हमसे भी बड़ा गैंगस्टर है क्या? लगता है लोग अपनी औकात भूल गए। शाहनवाज, इसका एक अलग गैंग चलता है। इसको जैसे ही दुर्लभ के गैंग के बारे में पता चलता है और उसके कारनामों को सुनता है, तो यह हर वक्त उस गैंग को खत्म करने की फिराक में रहता है। सुन बे दारा, तू देख के नहीं चल सकता?
अरे यार गाड़ी तुम उधर देख के चला रहे हो, मुझे उधर देख के चला रहा था, बताओ तुझे। अरे यार एक तो गलती करते हो, ऊपर से झगड़ा करते हो। बताओ तुझे, मैं झगड़ा कर रहा हूँ। ए शांत, क्या हुआ? अरे मैं भाई भैया इधर से मैं आ रहा था सीधे से रास्ते, और इनका हैंडल टकरा, मेरा पहले से हाथ टूटा हुआ था, इसी में इन्होंने टक्कर मार दी। ऊपर से मेरे से मेरी गलती बता के मेरे कोई झगड़ा कर रहे मेरे से। तू कौन है बे जो मेरे बीच में पड़ रहा है? मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, समझा? मेरे बीच में मत पड़, चल निकल। मुझे आज तक आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे मैं बताता हूँ, जा जिसको बुलाना बुला ला, तेरा बाप यहीं मिलेगा। फेसबुक एक पोस्ट डाल। मगर कैसी? जो बोल रहा हूँ वो लिख। मेरी उम्र है 17 साल और मैं एक। तो क्या बदमाश हूँ? किसी को कब्जे में लेना हो तो बताओ, किसी का सर फोड़ना हो, हाथ तोड़ना हो, आदमी मरवाना हो, जो काम कोई गैंगस्टर ना कर सका वो दुर्लभ कश्यप करेगा। दुर्लभ कश्यप अपना रुतबा बढ़ाने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डालने लगा। भाई इसमें जाना है, इसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं इसका ड्रेस कोड है, इस ड्रेस कोड में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। उसके पोस्ट को पढ़कर लोग उसके गैंग को ज्वाइन करने लगे। और दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक के थ्रू अपनी एक गैंग बना ली, जो दुर्लभ कश्यप के एक इशारे पर गैंग के लड़के कुछ भी कर जाते थे। जी सर, कुछ दिनों के लिए समय दे दीजिए। जी सर, दुर्लभ कश्यप जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जी सर, दुर्लभ कश्यप का फिरौती का कंप्लेंट आया है। दुर्लभ? यार दुर्लभ दम नाक में दम कर रखा है यार, ऊपर से कमिश्नर का भी फोन आ रहा है। सुनो एक काम करो, उसके गैंग की एक लिस्ट जारी करो और उस पर जितने भी केस हैं उसका एक फाइल बनाओ और वो फाइल मुझे ला कर दो, ठीक है? दुर्लभ और उसके गैंग कहीं पर दिखे सबको पकड़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। चलो ये
भाई 2 दिन हो गए हैं, अभी कितने दिन तक छुप कर रहना पड़ेगा? 2 दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद पुलिस अपने काम में बिजी हो जाएगी। कहाँ उसके पास टाइम से हम देखते हैं। दूरी पास भाई एक पेज सुपारी आई किस चीज़ का? किसी को टपकाना है, बोल दे हो जाएगा। दुर्लभ कश्यप चल खड़ा हो, बहुत हो गए तेरी गुंडागर्दी, चल अपनी गुंडागर्दी थाने पर दिखाना, चल। बेटा जब तक तू जेल में है ना, तब तक तू सेफ है। मेरी बात मान, तू जेल में ही रह, क्योंकि तूने अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन पा लिया है। जिस दिन तू जेल से बाहर निकलेगा उस दिन तू मारा जाएगा। सर, दुर्लभ कश्यप नाम है हमारा, और मेरे नाम का परिचय तमाम होता है। मैं उस रास्ते नहीं जाता जो रास्ता आम होता है। तो तू मारा जाएगा? वो तो बात की बात है सर, तब देखा जाएगा। जय माँ का। क्या हुआ भाई, दबदबा कम हो गया? जल्दी खोलना। अब उज्जैन में एक तरफा राज चलेगा, वो भी सिर्फ दुर्लभ कश्यप का, क्योंकि लोग भूल गए होंगे कि हम कौन हैं। सबको बताना पड़ेगा कि दुर्लभ कश्यप अब आ गया है, क्योंकि लोग जिन चीज़ों का खौफ रखते हैं हम उन चीज़ों का शौक रखते हैं। और ये बात सबको बतानी पड़ेगी, ठीक है? आइए चौधरी साहब आइए। दादा भाई, एक आदमी मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसके जान की कीमत। ठीक है चौधरी साहब, आपका काम हो जाएगा। यह काम काफी बड़ा है, अपने गैंग में किसी के बस की बात नहीं। इस काम के लिए किसी और को ढूंढो जो अपने एरिया से ना हो और इस काम को कर सके। भाई मैं एक लड़के को जानता हूँ जो यह काम कर सकता है। ठीक है, बुला लो उसे। ठीक है। अपनी गैंग में जितने भी नए लोग ऐड हो रहे हैं उन सबको कुछ बताओ या ना बताओ, एक बात जरूर बता देना कि हमेशा लड़कियों और औरतों की इज्जत करें, ठीक है? भाई एक बात बोलो, हम लोग इतना गुंडागर्दी करते हैं
पर आप दिल के बहुत अच्छे हैं। कितना ढूंढने के बाद पता चला कि तुम लोग यहाँ पे चाहिए। तू है कौन? जो इस काम को करोगे? नहीं भाई, ये जो बीच में है काम तो यह करेगा, ये लोग तो इनके साथी हैं। तुम्हें क्या लगता है इस काम को अंजाम दे पाएगा ये? किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, यह डायलॉग तो तुमने सुना होगा, इसलिए आप उनको जज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि शायद तुमने अपनी औकात बनाई होगी। मैंने अपनी औकात लिखी है। हट साला, लड़के में दम मरे। इसी को टपकाना है, हो पाएगा? तुम अपने एरिया के गैंगस्टर हो गए, मैं पूरे स्टेट का बनने वाला हूं, यह काम हो जाएगा। चलो रे। रुको, उसे मारोगे कैसे? ये लो। चौधरी ने अपना काम दादा भाई को दिया और दादा भाई ने दुर्लभ कश्यप को, और आज दुर्लभ कश्यप उसी काम को अंजाम देने आया है।
ये वही है क्या? लग तो रहा है भाई। मोबाइल निकाल, शकल मैच करा जरा। हाँ भाई वही है ये। बहुत बढ़िया, तुम दोनों बहुत अच्छा काम किए। तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? तू कोई भी हो, अभी तो मैं तुझे ठोक दूंगा। और सुने, लोग कहते हैं कि ठोकने वाले को जितना कम जानो ना उतना ही अच्छा। तो मुझे जानना भी नहीं कि तू साला है कौन। और अगर तुम खुद को कमीना मानता है तो मैं कमीनों का बाप हूं। दुर्लभ दादा भाई के लिए काम करने लगा और दादा भाई के पास जो भी सुपारी आती थी वह दुर्लभ कश्यप को देने लगा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. सनवास भाई, ये दुर्लभ का खौफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सारा लोग अपने ही मार्केट में रंगदारी देने से मना कर रहे हैं। हाँ भाई, कल मैं भी रंगदारी मांगने गया था तो बोल रहा था कि दुर्लभ ले गया, जाके उसी से ले ले। जाने दो, आज उसका टाइम है, कल अपना भी रहेगा। मौका सबको मिलता है,
लेकिन हमें भी मिलेगा। बस तुम लोग साथ रहना। जी भाई। और अपनी गैंग को रेडी रखो, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी उससे। जी सर। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर दुर्लभ कस्बे को पकड़ने का। जी सर। जी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे सर। ओके सर, ठीक है सर। सर दुर्लभ कस्बे का पता चल गया। एक काम करो, थाने पर फ़ोन करो, दो चार सिपाही बुलाओ, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। चलो। ठीक है, इस काम को जल्दी करवाओ। सुरेश जी भाई। अरे तुम जिस लड़कों को लेकर आए थे, क्या नाम था उसका? उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई। दुर्लभ कश्यप नाम है उसका। कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? दादा भाई आप जो काम देते हैं, जो काम बताते हैं, उसे मैं दे देता हूँ, वो काम कर देता है। और अब तो उसे डरने भी लगे हैं लोग। मैंने तो पहले ही देख कर बता दिया था कि बंदे में दम है। कहाँ है वो, फोन करो उसे। भाई बहुत लंबी उम्र है इसकी, वो देखो। सुरेश, सामने वाले को पता होना चाहिए कि इस लाइन में उम्र लंबी नहीं होती है। सुरेश, दादा भाई को बता दो, भले इस लाइन में उम्र लंबी नहीं होती, मगर जितनी भी होती है शेर जैसी होती है। इसमें कुछ पैसे और गन्स हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। भाई पुलिस आ गई। भाई यही सही टाइम है मार्केट में अपना खौफ बनाने का? नहीं अभी नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर अभी पुलिस है, जो भी मिलेगा उसे अंदर कर देंगे, इसलिए अभी नहीं। अपने लोग को भी बता दो कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड में चलने दो, जैसा चल रहा है। सर इसमें से दुर्लभ कश्यप कौन है? पीछे है या ऊपर करेगा देखना। ओए आगे बढ़ गया। दुर्लभ डायलॉग मारो, वो जो फेसबुक पे लिखे थे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाइए, देखेंगे तो उसमें स्टेटस पर लिखा होता है कि किसी को मारना या किसी को धमकाना, छिनैती करवाना हो तो इनसे संपर्क करें।
इनके गैंग का एक ही उद्देश्य है कि जहां पर जाएं अपना दहशत बनाए रखें, ताकि सभी लोग इससे इन सबसे डरते रहें। सर अपने काम को अंजाम कैसे देते? ये अपने सोशल मीडिया द्वारा अपने गैंग को बढ़ाते थे, नए नए लोगों को जोड़ते थे और कहीं पर भी जाते थे दंगा फसाद कराने, तो वहां इनका दहशत बना रहना होना चाहिए था। सर इनका कोई ड्रेस कोड था? इनका एक अलग पहनावा था, सर पे लाल टीका, कंधे पर काला गमछा, आंखों में काजल, ताकि ये कहीं पर जाए और ये पहचान में आए। इसके जो मेन लीडर है उसके 20 से ऊपर अपराध है, बाकी लोगों के 5, किसी के 2, किसी के 3। उज्जैन पुलिस द्वारा 23 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी जो इन सबको पैसे फंडिंग में देते थे अपराध करने के लिए, उनको उनकी भी तलाश जारी है। जेल से छूटने के कुछ महीनों बाद दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मार रहा था, तभी उसको चाय पीने का मन किया और वो चाय पीने दुकान पर गया। वहीं पर सहनवाज भी रहता है। चाचा 3 चाय कर दीजिएगा। सहनवाज और दुर्लभ के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है, तभी दुर्लभ बंदूक निकाल कर मार देता है। यही दुर्लभ कश्यप है क्या? हाँ हाँ, वही दुर्लभ कश्यप है। तुमको दुर्लभ कश्यप से क्या काम है? तू दुर्लभ कश्यप है? मैं तो सोचा दुर्लभ कश्यप कोई हैवी सा होगा। तू तो बिल्कुल मच्छर है रे साला, तुझसे लोग इतना क्यों डरते हैं? लेकिन बंदूक की गोली सहनवाज को छू कर निकल जाती है। उस दिन ना तो दुर्लभ की किस्मत साथ दी और ना ही दोस्त, और दुर्लभ का सिर मारा गया।